नमस्ते, जय माता दी। टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजन अर्चना की जाती है। इन्हें दुर्गा माँ का ज्वलन स्वरूप भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजन विधि अनुसार करने से माँ अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का भी वरदान देती हैं। माँ की तेजोमय छवि की पूजन आराधना करने से सफलता और प्रसिद्धि भी मिलती है। जानकारों के मुताबिक माँ कात्यायनी का मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। विधि अनुसार माँ कात्यायनी की पूजन करने से वह प्रसन्न होती हैं। कहते हैं माँ की पूजा में लाल गुलाब अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब संभव ना हो तो भक्तजन कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। तो आइए हम सब माँ की स्तुति कर आपको उनकी कथा से अवगत कराते हैं। वंदे वांछित मनो यथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम सिहारूण चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी। मान्यताओं के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या और श्रद्धा देखकर मां दुर्गा ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। मां दुर्गा ने जो वरदान दिया था वह पूरा हुआ और महर्षि कात्यायन के आश्रम में मां दुर्गा का जन्म हुआ। त्रिदेवों के तेज से देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया था। जब देवी दुर्गा का जन्म हुआ था तब ऋषि ने माँ दुर्गा के 3 दिनों तक पूजन की थी। माना यह जाता है कि माँ की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद्यनाथ नामक स्थान पर पूजा जाता है। माँ व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करती है। ये अमोघ फलदायिनी है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजन की थी। यह पूजन कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं। माँ की दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाई तरफ का ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ का वाहन सिंह है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग शोक संताप और भय सभी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। कंचना भवराभयम् पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलाम् स्मेरमुखीम् शिवपत्नी कात्यायन सुते नमोस्तुते पटांगर परिधानाम् नानालंकार भूषिताम् सहस्तताम् पद्महस्ताम् कात्यायन सुते नमोस्तुते परमावद्मयी देवी परब्रह्म परमात्मना परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते विश्वगति विश्वभर्ति विश्वहर्ति विश्वप्रीता विश्वाचिताम विश्वातीता कात्यायन सुते नमोस्तुते। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।